इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का दौरा किया। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी से मुलाकात कर भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सांस्कृतिक और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नेपाल के लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई है। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया है, जिसमें 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश जल, विद्युत, विकास और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने को लेकर बनी सहमति को आगे बढ़ाएंगे। वहीं नेपाल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय का पीएम मोदी को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। भारतीय लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाकर भव्य स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। अरे भाई साहब, आप पीछे रहिए, माता नहीं ठीक है, आप आगे बढ़ो। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं, जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं, हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
पर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देउबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है, विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।